अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों में हमें तरह तरह के फ्लावर्स जो हैं देखने को मिलते हैं, उन्हीं में एक फ़्लावर जो है क्रिसेंथेमम का भी है, जिसको हम गुलदाउदी आम जबान में कहते हैं। गुलदाउदी जो है वह मुख्तलिफ कलर्स में और मुख्तलिफ साइज़ में हमको मिलता है, और ये प्लांट जो है वो ज़्यादा बुशी टाइप का रहता है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, छोटे से साइज़ में रहता है, लेकिन फ़्लावर्स इसके बहुत खूबसूरत होते हैं। वैसे आप देखें कि इसके फ़्लावर जो हैं, मेरे पास जो ये प्लांट है इसमें जो है वो गुच्छों की शक्ल में फ़्लावर्स लगते हैं। साइज़ फ़्लावर्स के बहुत छोटे हैं, लेकिन आप देखें एक ही ब्रांच के अंदर, इसी के अंदर कितने सारे फ़्लावर्स निकल रहे हैं। तो गुलदाउदी जो है वो चूँकि सर्दियों का प्लांट है, और इसलिए सर्दियों में ही इसके अंदर बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है, और गर्मियों में भी फ्लावरिंग इसमें होती है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम, लेकिन इसके जो फ्लावर्स हैं वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं और ज़्यादा नहीं निकलते। बाज़ औक़ात जो हैं वो प्लांट ही हमारा सूख जाता है, लेकिन सर्दियों में इसमें ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। तो गर्मियों में हम इसको बचा सकते हैं, अगर हम इसको किसी धूप से बचा के रखें, छांव में रखें, और जहाँ बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो, बल्कि मेरा तो ख्याल है आती ना हो, बस डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो, बस आपको उसमें थोड़ी सी ब्राइट लाइट आती हो उसमें रखेंगे, तो ये प्लांट जो है बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। आज आपको मुझे ये दिखाने का मकसद ये था कि मैं आपको ये प्लांट के बारे में बताऊं कि मैंने ये प्लांट जो है वो कटिंग से ग्रो किया था। पिछले साल जनवरी में मेरे पास ये प्लांट नहीं था, तो मुझे इस कलर के प्लांट की बहुत थी कि मेरे घर में होना चाहिए और छोटे छोटे से, मतलब इसमें फ़्लावर्स हों, तो मैं इसके दो ब्रांचेज़ लेकर आई थी, एक मैं ये लाई थी और एक और मैं आपको दिखाती हूँ, और एक ये वाली ब्रांच थी। तो ये दोनों लाके मैंने लगाए, और आप देख सकते हैं कि पिछले साल लगाए थे और अब माशाल्लाह से इसमें कितने ज़्यादा मतलब बड़ा प्लांट हो गया है, और इसमें देखें इसके ऊपर भी फ़्लावर्स जो हैं वो आने लग गए हैं। तो कटिंग से अगर हम बहुत आसानी से इसको ग्रो कर सकते हैं, और ऐसे सीज़न में ग्रो करना चाहिए जिस सीज़न में थोड़ी सी हवा में नमी हो, जैसे हम स्प्रिंग में कर सकते हैं, विंटर में कर सकते हैं, और जब बरसात का महीना आता है उन दिनों में हम कटिंग को बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। तो ये प्लांट जो था मेरा, पिछले साल मैं इसकी दो कटिंग लाई और ला के मैंने लगाई, तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त ये ऊपर हो गया, और इसके बहुत सारी ब्रांचेस मैंने जगह जगह से, छोटा सा था, मैंने कट करती रही, और तो उसके बाद जो है इसके देखें मैंने कितने सारे ये प्लांट और तैयार कर लिए। एक ये है, एक यहाँ से मैंने इसको ये तैयार किया है, इसमें फ़्लावरिंग स्टार्ट हो रही है, एक ये है, और कुछ जो हैं वो सूख भी गए, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी तो उन दिनों में वो कुछ पानी में कमी आ गई उनके, तो वो सूख गए। तो हम बहुत आसानी से अगर कहीं से कटिंग ले आएँ, छोटी सी कटिंग, तो उसके ज़रिए हम अपने इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। अगर एक प्लांट आप नर्सरी से ले आते हैं तो उसके बाद आप उससे कई प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो गुलदाउदी जो है वो देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं, और चाहे बड़े हों चाहे छोटे, तो ये होते भी बहुत खूबसूरत हैं। अच्छा, इसको लगाना कोई मुश्किल नहीं है, मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको किस तरह कट करके लगाएंगे। तो जैसे कि मेरी ये ब्रांच है, अब आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ ब्रांच ऐसी हैं जो यहाँ से थोड़ी सी बड़ी हो गई हैं, मैं इसी से आपको कट करके दिखाती हूँ। जैसे कि मेरी ये ब्रांच है, ये वाली ब्रांच, ये वाली, तो मैं इसको ऐसे कट करती हूँ, जैसे ये यहाँ से, ये यहाँ से मैं इसको कट कर लेती हूँ, यहाँ से दे देखिए ये मैंने ब्रांच जो है ये कट कर ली है। अब कट करने के बाद हमें करना ये होगा कि हम इसके नीचे के सारे लीव्स जो हैं ये इसको निकाल देते हैं। मैंने ये पॉट ले लिया था, इस पॉट के अंदर मैंने अपने गार्डन से ही मिट्टी ली है, मैंने कोई इसके अंदर फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किया है, सिर्फ गार्डन से मिट्टी ले ली है, और अब जो है मैं इसके सारे ऊपर से लीव्स जो है ये निकाल देती हूँ, थोड़े से निकाल देती हूँ, थोड़े से रहने देती हूँ। ये देखिए अब ये मैंने लीव निकाल दिए हैं ना, इतने सारे, चाहे तो थोड़े से और निकाल दीजिए, ये जितने कम रहेंगे उतनी जल्दी इसकी रूट जो है इस प्लांट की बननी शुरू हो जाएंगी। तो ये मैंने निकाल दिया ना, तो अब जो है हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, और करते ये हैं कि ये जो मिट्टी है ये सिर्फ मैंने अपने घर के जो मिट्टी है वो ली है, इसके अंदर थोड़ी बहुत होगी गोबर की खाद और कुछ नहीं है, अब हम इसी के अंदर करेंगे। अब देखिए चूँकि बहुत हल्की अच्छी मिट्टी है ये, तो हम इसके अंदर इसको ऐसे ऐसे लगा देंगे, लगा के इसको सिंपली हमें इसको ऐसे प्रेस कर देना है,
अब हमें इसको ऐसे करना ताकि कोई एयर पॉकेट ना रहे, और बस सिर्फ ये करना है, और इसको हमें छांव में रखना है। छांव में रख देंगे हम तो थोड़े दिनों बाद आप देखिएगा, हो सकता है इसमें से एक दो लीव्स और आपकी सूख जाए, लेकिन ये बीच की जो लीव्स हैं ये यहाँ से स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाएगी और हमारा प्लांट जो है ये लग जाएगा। सिर्फ सिंपली आप इसमें पानी डाल दीजिए, बस अब आपने इसको छांव में रख देना है। तो यही मैंने किया था इन सारे प्लांट्स के साथ कि देखिए जैसे मैंने ये लगाई थी कटिंग, तो ये जो है ये यहाँ से सूख गई, लेकिन यहाँ से ये देखिए इसकी इसकी स्टार्टिंग हो गई, और यहाँ देखिए अब ये ज़बरदस्त सा एक प्लांट तैयार हो गया है। तो इस तरह से हम ला के अपने बस आसानी से कर सकते हैं और काट काट के हम लगा दें बहुत सारे। अभी तो ये मौसम ऐसा है, इसके अंदर जो है वो मैंने शुरू में जब दिसंबर से पहले मैंने इसके अंदर खाद डाल दी थी, और अभी मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला है। अच्छा, ये लिए गुलदाउदी जो है वो दो तीन तरीक़ों से लगता है। एक तो ये कि इन्हीं फ्लावर्स के अंदर जो है इनके सीड्स बन जाते हैं और उसके ज़रिए हम ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा जो है इसको कटिंग से, जैसे मैंने बताया कटिंग से ग्रो करते हैं। इसके अलावा इसके बेबीज़ निकलते हैं, तो ये आप देख सकते हैं इस साइड में, देखिए इसके बेबीज़ निकलना शुरू हो जाते हैं। इसको हम आराम से एक साइड से ऐसे यहाँ से ये है ना, यहाँ से ये है ना, तो यहाँ से हम कट कर देते हैं छुरी के ज़रिए और फिर यहाँ से प्लांट निकाल लेते हैं और उसको लगा देते हैं। तो इस तरह से भी ये सारे प्लांट तैयार हो जाते हैं। तो अगर आपके पास गुलदाउदी के प्लांट्स हैं और आप चाहते हैं कि आप उसको एक से दो आप प्लांट बनाइए, तो देखिए बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। हमने सिर्फ सिंपली उसको कट करके ये देखिए हमने किस तरह उसको सिर्फ लगा दिया है। अब मैं इसको छांव में रख दूँगी और थोड़े दिनों में इसमें इसकी ब्रांचेस निकलनी शुरू हो जाएंगी और ये मैंने जो है पौधा हमारे लिए तैयार हो जाएगा। और ये कि आप इसको बहुत आसानी से छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं। जैसे कि आप देखें कि मैंने ये जो लगाया है ये मैंने एक कलर का केन था उसके अंदर लगाया है, और आप देख सकते हैं इसके अंदर कितनी आसानी से कितने ज़बरदस्त फ्लावर्स निकले हुए हैं। इसी तरह मैंने दूसरा भी लगाया था, दोनों ही मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने इसका केन में लगा दिया था, और जब ये इसमें अच्छी तरीके से ग्रो करने लगे तो फिर मैंने उसको नहीं हटाया। तो आप भी ऐसे कीजिए, अपने कोई भी प्लांट हो इस तरह के आप उसको कटिंग के जरिए ग्रो कीजिए, एक से दो कर लीजिए, दो से तीन, इतनी आसानी से आपके घर में ये प्लांट लग जाएंगे। तो इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।